दिन भर मैं हूँ शेख जूही। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के। झलावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र के मंगल गांव के स्कूल से बीते दिनों वापस लौटते वक्त महिला शिक्षक से मारपीट और लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सारे मामले में जयराम पेशा कंजर जाति के बदमाश गोविंद उर्फ गोविंदा कंजर को जिले के बालगढ़ के घने जंगल से गिरफ्तार किया है। टिब्बी के कुलचंद्र से नईवाला गांव तक सड़क पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। 8 सालों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे ग्रामीण कुलचंद्र सरपंच 2016 से कर रहे पत्र व्यवहार, 8 साल बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। अतिक्रमण के कारण हो चुके हैं कई दुर्घटनाएं। बाड़मेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवराम जैन के घर पहुंची ईडी की टीम। नवंबर 2023 में दर्ज मामले के सिलसिले में कार्रवाई, घर पर नहीं मिले जैन, ईडी ने सीधी मामले में जुटाए सबूत। राजस्थान में बाल विवाह निषेध कानून और सरकार की ओर से उठाए गए तमाम प्रयासों के बावजूद बाल विवाह नहीं रुक पा रहा और अब राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य की भजनलाल सरकार को बाल विवाह नहीं होने देने के लिए जरूरी और गंभीर कदम उठाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी मामले में जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधने वाली कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में सुनवाई अब 14 मई को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीपफेक वीडियो मामले में एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने झारखंड कांग्रेस का अकाउंट बंद कर दिया है। सलमान खान के घर के बाहर पिछले दिनों गोलीबारी मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों में से एक ने लॉकअप में खुदकुशी कर ली। 25 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किए अनुज ने पुलिस हिरासत में खुदकुशी की कोशिश की, उसे आनन फानन अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल में उस आरोपी की जान नहीं बचा पाई। कोविशील्ड वैक्सीन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोविशील्ड वैक्सीन पर मचे घमासान के बीच विशाल तिवारी नाम के एक शख्स ने टॉप कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में मेडिकल स्पेशलिस्ट पैनल गठित करने और मृतक के मुआवजे की मांग की गई। अमेरिका ने सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार की मौत की खबरों का खंडन किया। कैलिफोर्निया में पुलिस डिपार्टमेंट ने गोल्डी बरार की मौत वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर कहा, हाल ही में हत्या में मारे गए दोनों लोगों में से कोई भी गोल्डी बरार नहीं है। आज खबर दिन भर में सिर्फ इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।